हेलो स्टूडेंट, टुडे माय सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड वी लर्न अबाउट नंबर्स अप टू 100। ओके, आज हम नंबर्स पढ़ेंगे 100 तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। जॉइन द डॉट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सी व्हाट यू गेट। ठीक है, यहाँ पर कुछ डॉट्स दे रखे हैं और ये हमें थोड़ा बनाकर भी दिखाया गया है कि किस तरह से हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है और हमें फिर देखना है ये क्या पिक्चर बनकर आती है। ठीक है, अब हम डॉट्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले 1 से यहाँ स्टार्ट हो रखा है एंड 11 तक हो रखा है। अब हम 11 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। ओके, 11 यहाँ आपका क्या है, 11 है। 11 के बाद क्या आएगा, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 के बाद क्या आता है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80. ठीक है, 80 पर पहुंच गए हम। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90. And next is 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okay? Okay, अब हमने यहाँ पर पिक्चर बना ली, डॉट्स को हमने ज्वाइन किया और ये हमारी पिक्चर रेडी है। अब आपको समझ में आ रही है ये पिक्चर क्या बनी हुई है, आ रही है? ओके, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये एक ट्रेन बनी हुई है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, ये एक ट्रेन बना हुआ है। ओके, सो हम जब 1 से वर्ड नंबर्स को मिलाएंगे 100 तक, तो कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप ट्रेन ही बनाओ, यहाँ कोई और पिक्चर भी हो सकती थी, वो भी हम बना सकते हैं। इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर भी आ गया कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, हमने काउंटिंग भी पढ़ना आ गया और हमने पिक्चर भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द गिवन नंबर बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं हमें और इनको कंप्लीट करना है, और यहाँ नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें इन्हें कंप्लीट करना है, बट पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें करना क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है बिफोर नंबर्स कौन से होते हैं, आपको पता है ना, आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, आफ्टर, कम, आफ्टर, कम, बिफोर, बिटवीन, ये सब आपने पढ़ा है ना, वही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 98, 100, 31, 50, यहाँ पर हमें नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें इनका बिफोर नंबर बताना है। अभी हमने यहाँ पर पिक्चर बनाई थी, उसमें हमने पूरी 1 to 100 काउंटिंग लिखी थी, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी इसको बॉक्सेस को फिल करेंगे। ओके, यहाँ दिया है हमें 98, क्या दिया है, फर्स्ट नंबर्स हमारा क्या दिया है, 98, तो 98 से पहले क्या आता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले का नंबर। ठीक है, तो 98 से पहले क्या आता है, अब हमें यहाँ पिक्चर में देखेंगे। ओके, हमने यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, हमारी 100 पर यहाँ खत्म हुई है। ठीक है, तो 98 से पहले हमारा क्या आ रहा है, 97, क्या आ रहा है, 97। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 97, क्या लिखेंगे हम यहाँ, 97। एंड नेक्स्ट इज
हंड्रेड, यहाँ पर क्या नंबर दिया है हमें, 100, 100, 100। ओके, तो 100 से पहले हमारा क्या नंबर आता है, 100 का बिफोर हमारा क्या होगा, हम फिर से पिक्चर देखेंगे और बताएंगे कि 100 से पहले हमारे क्या आता है। यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं ये 100 दे रखे हैं, तो 100 से पहले क्या है यहाँ पर, 9999, क्या दे रखा है, 99। ओके, तो 100 से पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 and 9 99। ओके, नेक्स्ट इज 31, 31। ओके, तो अब हम देखेंगे 31 से पहले हमारा क्या आता है, 31 का बिफोर हमारा क्या होगा, फिर से हमने पिक्चर देखेंगे, अब पिक्चर में देखेंगे कि 31 कहाँ पर है, हमें ढूंढना है 31 कहाँ पर है। ओके, तो 31 देखना है, फिर हम 31 से पहले देखेंगे क्या आता है, तो ये रहा हमारा 31। सो 31 से पहले क्या आ रहा है हमारा, 3030, क्या आ रहा है, 3030। सो 31 से पहले क्या आ रहा है हमारा, 3030। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3030, 31 का बिफोर हमारा क्या होगा, 30। ओके, नेक्स्ट इज हमारा 50, 50, 50, 50। अब 50 से पहले क्या आता है, फिर से हम पिक्चर देखेंगे और हम बताएंगे 50 से पहले क्या आता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये रहा आपका 49 and 50। ओके, तो 50 से पहले हमारे यहाँ क्या लिखा है, 49, क्या नंबर है यहाँ पर, 49। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 से पहले, 49, 50 का बिफोर क्या होगा, 49, 50 का बिफोर होगा हमारा 49, हमने यहाँ पर लिखा 49। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर, राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें उनके आफ्टर नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि यहाँ दिया है 8080, क्या दिया है, 8080, तो 80 का आफ्टर क्या होगा, 80 के आफ्टर मीन्स होता है बाद वाला नंबर, ठीक है, आने वाला नंबर, तो 80 के बाद क्या आता है हमारा, 8181, 8181। ओके, नेक्स्ट है हमारा 49, नेक्स्ट है हमारा 49, तो 49 का आफ्टर क्या होगा हमारा, 49 के बाद क्या आता है, काउंटिंग सबको आती है ना, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50, 50, 50, तो 49 का आफ्टर क्या होगा हमारा, 50। यहाँ दिया है हमारा 21, 21, 21, 21, तो 21 का आफ्टर क्या होगा, 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22, 21 के बाद आता है 22। ओके, यहाँ दे रखा है 84, यहाँ दिया है 84, 84 का आफ्टर हमें बताना है क्या होगा, 84 का आफ्टर क्या होगा, 84 के बाद क्या आता है हमारा, अब हम हमें नहीं, अगर हमें 100 तक काउंटिंग नहीं आती है तो हम इस तरह से देख लेते हैं, ये 8 हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे और 4 में 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 84 का आफ्टर हमारा क्या होगा, 85, 84 का आफ्टर हमारा क्या होगा, 85। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, अब हमें इन दोनों नंबर्स के बिटवीन नंबर्स लिखने हैं, मींस के बिटवीन का मतलब आपको पता है क्या होता है, बिटवीन मींस क्या होता है, बिटवीन मींस होता है बीच वाला नंबर लिखना है आपको, इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया है हमारा 69 एंड बॉक्स बना है, फिर दिया है 71, तो 69 के बाद हमारा क्या आता है वो देखना है और 71 से पहले क्या आता है हमारा वो देखना है, यहाँ पर आफ्टर भी देखना है और बिफोर भी देखना है। ओके, तो 69 का आफ्टर लिखेंगे पहले हम यहाँ लिख, तो क्या हो जाएगा 70, 70, 70 and 71 के बाद, 70 के बाद क्या आता है 71, 70 के बाद क्या आता है 71, तो यहाँ पर 69, 70 and 71, तो ये 69 और 71 का बिटवीन क्या होगा 70। ओके, नेक्स्ट है हमारा 98, 98, नेक्स्ट क्या है हमारा 98 एंड बॉक्स बना है यहाँ पर और यहाँ दिया है 100, 100, क्या नंबर दिया है 100। अब हमें 98 और 100 का बिटवीन नंबर बताना है। ओके, तो 98 का आफ्टर बताना है और 100 का बिफोर बताना है, तो यहाँ पर इन दोनों का बिटवीन नंबर हमें पता चल जाएगा। ओके,
98 के आफ्टर क्या होगा हमारा 99, ओके 99, और 100 का बिफोर क्या होगा 99, तो 98 एंड 100 का बिटवीन क्या नंबर होगा हमारा 99। नेक्स्ट है हमारा 25, नेक्स्ट है हमारा 25 एंड बॉक्स बनाए यहाँ पर, बिटवीन हमें बताना है, और 27 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 27। अब 25 का हमें जैसे हमने यहाँ ऊपर किया इसी तरह से हमें यहाँ पर भी करना है, 25 का हमें पहले आफ्टर देखना है और 27 का बिफोर देखना है, ओके। तो यहाँ जब आफ्टर हम 25 का लिखेंगे और बिफोर देखेंगे 27 का कितना होता है, तो यहाँ पर हमें बिटवीन नंबर मिल जाएगा। 25 का आफ्टर क्या होगा हमारा 26, और 27 का बिफोर क्या होगा हमारा पहले वाला नंबर क्या होगा 26, तो 25 एंड 27 के बिटवीन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा 42, क्या है 42, और यहाँ दिया है हमें एक बॉक्स दिया है कि हमें यहाँ बिटवीन नंबर फिल करना है, एंड 42 और 44 का बिटवीन नंबर हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो 44 के बाद क्या आता है हमारा आफ्टर देखेंगे हम 43 आता है, 44 के बाद क्या आता है 43, और 44 का बिफोर क्या होता है 43, तो 42 एंड 44 का बिटवीन क्या हो जाएगा 43, 42 और 44 का बिटवीन क्या हो जाएगा यहाँ 43। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर पढ़े, एंड 1 to 100 हमने आज काउंटिंग पढ़ी। तो आज हमने 1 से 100 तक काउंटिंग भी पढ़ी, आफ्टर नंबर्स भी पढ़े, बिफोर नंबर्स भी पढ़े एंड बिटवीन नंबर्स भी पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 100 तक काउंटिंग लिखने के बाद हमारे लिए कितना इजी हो जाता है कि हम आफ्टर नंबर लिख सकते हैं, बिफोर नंबर्स लिख सकते हैं एंड बिटवीन नंबर्स लिख सकते हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।